Hello friends, I'm again back with my new video that is on cost accounting standard 2, and that is cost accounting standard on the capacity determination. So again I'm saying we are not going into the objectives, we are starting with the main theme, that is the definitions. Cost accounting standard 2 mein bahut sare matlab bahut kuch zyada nahi padhna hai, there are some of the definition that we must know and uske baad it's easy to understand. So first thing is the licensed capacity. So licensed capacity kya hoti hai na, ki मतलब अगर आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो एक्चुअल आपकी मशीन की कैपेसिटी है उससे थोड़ी डिफरेंट कैपेसिटी होती है. मतलब इट्स लाइक कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती है जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. जैसे वो अगर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मान लो 1000 यूनिट्स हुई, पर उनको गवर्नमेंट के थ्रू एक लाइसेंस मिला हुआ है कि आप लोग 800 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो 800 विल बी द लाइसेंस्ड कैपेसिटी ऑफ दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी. सो विल जस्ट गोइंग थ्रू द डेफिनेशन, दैट इज लाइसेंस कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट फॉर विच लाइसेंस, यस एग्जैक्टली, द लाइसेंस हैज़ बीन इशूड बाई एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. सो appropriate authority can be any authority. Okay, so I'm going further with the next definition, that is the installed capacity. So installed capacity kya hoti hai na, ki जो मशीनरी या फिर जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में, उसका एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होता है जो उस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है. द मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. सो एक बार रीड करते हैं डेफिनेशन, इट्स द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी. यू कैन सी इट हियर, इट्स द मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट. जो भी मशीन या इक्विपमेंट वी आर यूजिंग, दैट इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट एग्जैक्टली विल स्पेसिफाई द मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी. सो हियर इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अ यूनिट प्लांट इज डिटरमाइंड आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट द इम्बैलेंसेज इन द डिफरेंट मशीन्स इक्विपमेंट इन द वेरियस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर यूनिट एंड नंबर ऑफ वर्किंग शिफ्ट. मतलब दे डोंट टेक केयर ऑफ अदर फैक्टर्स, बट दे जस्ट ओनली स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपेसिटी, जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है, उससे हमेशा कैपेसिटी कम ही होती है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू द थर्ड डेफिनेशन, दैट इज द प्रैक्टिकल और अचीवेबल कैपेसिटी. दिस इज द कैपेसिटी जो एक मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्शन कर रहा है वो अचीव कर सकता है. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है, दैट इज लाइक हम लोग जितने भी हम लोग के ब्रेक डाउन्स हुए, मेंटेनेंस के जितने दिन खर्चे हुए, फिर छुट्टी जो रहती है जिसमें लेबर काम नहीं करते हैं. तो दीज आर थिंग्स वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन वाइल फाइंडिंग द प्रैक्टिकल और अचीवेबल कैपेसिटी. So let's read the definition. It's the practical and achievable capacity is the maximum. It's again the maximum productive capacity of a plant. Okay, and then here it's reduced by the predictable and unavoidable factors of interruptions pertaining to the internal causes. It's very important कि जो practical capacities होती है ना वो internal causes के वजह से interrupt होती है. Means जो installed capacity है maximum, उससे हम लोग deduct करेंगे जो भी predictable and unavoidable factors की वजह से interruptions आता है, and that too also the internal causes, because of the internal causes. So going to the next one, that is the normal capacity. So if I am explaining this practical one, so I can tell you what are the internal causes. It could be like preventive maintenance. ठीक है, preventive maintenance to avoid breakdowns, we always does preventive maintenance and then repairs करते हैं, setup करते हैं. जो भी machinery start करनी है manufacturer के बिफोर, वी हैव टू मेक सम सेटअप्स कि क्या क्या चीज़ कंसिडर करेंगे मैन्युफैक्चर में, वो सब के लिए कुछ टाइम जाता है. फिर नॉर्मल डीलेज जो होती रहती है, फिर वीकली ऑफ छुट्टियाँ रहती हैं, फिर हॉलीडेज जो नेशनल हॉलीडेज या फिर अदर हॉलीडेज रहते हैं वो सब भी कंसिडर करना पड़ता है.
ठीक है. सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द फोर्थ वन, दैट इज़ द नॉर्मल कैपेसिटी. सो नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है ना, कि इट्स एन एवरेज कैपेसिटी. लास्ट फ्यू ईयर्स में जितने भी प्रोडक्शन हम लोगों ने किया है, वो सारे प्रोडक्शन के बेसिस पे एक एवरेज निकालते हैं कि हाँ इतना तो प्रोडक्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो गया तो वो अबनॉर्मल हो सकता है. ठीक है, तो नॉर्मल कैपेसिटी का डेफिनेशन में रीड कर लेते हैं. नॉर्मल कैपेसिटी इज़ द प्रोडक्शन अचीव्ड और अचीवेबल ऑन एन एवरेज, ओवर अ पीरियड और सीजन अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो, क्योंकि अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में द कैपेसिटी विल रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड, गेट इंक्रीज्ड. सो टेकिंग इन टू अकाउंट द लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्लान मेंटेनेंस. तो प्लान मेंटेनेंस इज लाइक अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. ठीक है, तो नॉर्मल कैपेसिटी इज प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस the loss of productive capacity due to external factor. So यहाँ पे practical capacity में we have said that the reasons were the internal causes. ठीक है, but यहाँ पे हम लोग practical capacity में से जब हम लोग के external causes की वजह से जो जो capacity loss होता है उसको deduct कर देंगे तो we'll get the normal capacity. So it's very easy to understand कि practical capacity में से जब external causes की वजह से जो capacity loss होता है उसको deduct कर दें तो that we will reach to the normal capacity. And now it's the actual capacity. Actual capacity क्या होती है, जो actually produce हमने किया है, जितना actual manufacture we have did, that is the actual capacity utilization, is the volume of production achieved in relation to the installed capacity. I don't think so I have to explain this one because it's very easy to understand. सो नेक्स्ट इज़ द आइडल कैपेसिटी. तो आइडल कैपेसिटी क्या होती है ना, कि जो हम लोग की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब जो हम लोगों ने आगे पढ़ा था, दैट इज़ दिस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उस मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी में से जो एक्चुअली हमने प्रोड्यूस किया है उस कैपेसिटी को डिडक्ट कर दे तो वी विल गेट द आइडल कैपेसिटी. आइडल मीन्स क्या होता है, कि जितने चीज़ हम जितना टाइम हमने जितना कैपेसिटी हमने यूज नहीं किया, जो वेस्ट हो गई, दैट इज द आइडल वन एक्चुअली. सो यू कैन रीड द डेफिनेशन. इट्स आइडल कैपेसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉल. इट्स इंपॉर्टेंट कि इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी, जो एक्चुअली यहाँ पे मैंने पढ़ा है एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. व्हेन एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज लेस देन द इंस्टॉल कैपेसिटी, तो इट्स बट ऑब्वियस कि इंस्टॉल कैपेसिटी तो एक्चुअल कैपेसिटी से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इंस्टॉल्ड तो मैक्सिमम होती है जो एक्चुअली अचीवेबल नहीं होती. एंड दिस इज द नेक्स्ट वन इज द एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. ये थोड़ा एब्सर्ड सा सिचुएशन है जो यूजुअली होता नहीं है. सो लेट्स एक्सप्लेन इट. एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होती है ना, कि डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. दिस इज अगेन द सेम थिंग, बट इस सिचुएशन में क्या होती है ना, कि एक्चुअल कैपेसिटी वो ज़्यादा हो जाती है इंस्टॉल कैपेसिटी से. मीन्स इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल कि मेरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है मशीन की, उससे ज़्यादा मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. एक्चुअली हम एक्चुअल हमेशा कम होगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से. तो बस यही डिफरेंस है, इसमें हम लोग इंस्टॉल्ड से एक्चुअल माइनस करते हैं और इसमें हम लोग एक्चुअल से इंस्टॉल्ड माइनस करते हैं. And I'm going to the last one. This is very important. That is a abnormal idle capacity. Abnormal idle capacity क्या होती है ना, ये difference होते हैं, मतलब it's very मतलब I'm explaining it. Like जो हम लोग की practical capacity है, means practical was what? Installed capacity से जो norm like internal causes की वजह से जो भी capacity loss होता है उसको deduct करेंगे. वो जो practical capacity आएगी उसको हम लोग देखेंगे कि वो उसमें से हम लोग डिडक्ट करेंगे नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल कैपेसिटी, विच एवर इज़ हायर. मींस अगर मेरा प्रैक्टिकल कैपेसिटी, अगर मेरा, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज़ 100 एंड फिर उसके बाद नॉर्मल कैपेसिटी इज़ 50 and again this actual is 60, so we'll take the higher one, that is the 60 we'll take.
ठीक है. एंड दिस फिर हम लोग की अबनॉर्मल अबनॉर्मल कैपेसिटी हो जाएगी हम लोग की विल 100 माइनस 60 दैट इज़ 40. तो इट्स ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि हम दोनों हम लोग इन दोनों के हायर को प्रैक्टिकल में से डिडक्ट करेंगे देन ओनली वी विल गेट द अबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी. सो आई एम गोइंग टू द आई एम गोइंग टू एन एग्जाम्पल. आई होप दिस एग्जाम्पल विल क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स. सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन कैपेसिटी पर आवर. मतलब मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन मतलब कि जो मशीनरी का मैन्युफैक्चरर उसकी स्पेसिफिकेशन है कि 500 यूनिट एक घंटे में प्रोड्यूस हो जाएगी. एंड नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितना काम होता है एक्चुअल में. शिफ्ट 3 शिफ्ट काम होता है और हर शिफ्ट 8-8 घंटे की हो जाती है. ठीक है. और उसके बाद हॉलीडेज बताया. ये हॉलीडेज इसलिए बताया जिससे हम लोग प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस कर सके. जैसे कि क्या था प्रैक्टिकल कैपेसिटी का एग्जांपल आई मीन फॉर्मूला. इट वाज दैट द इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस द मेंटेनेंस के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए छुट्टी जो मिलती है ब्रेकडाउन्स के लिए जो छुट्टी मिलती है वो सारे थे को डिडक्ट करना था. एंड देन हियर यू कैन सी इट्स अ नॉर्मल आइडल कैपेसिटी फॉर द बैच चेंज over lunch and these are things which I've shown here just to find out the practical capacity. ठीक है. तो हम लोग पहले तो इंस्टॉल कैपेसिटी निकाल लेंगे फिर उसके बाद पहले तो इंस्टॉल कैपेसिटी निकाल लेंगे फिर प्रैक्टिकल कैपेसिटी निकाल लेंगे फिर हम लोग यहाँ पे आइडियल नॉर्मल कैपेसिटी एक्चुअल आइडियल एंड अबनॉर्मल आइडियल कैपेसिटी. ठीक है. तो सबसे पहले इंस्टॉल निकाल लेते हैं. इंस्टॉल्ड मतलब क्या हो गया जो मैक्सिमम कैपेसिटी है. तो मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे पता चलेंगे 500 यूनिट एक घंटे में प्रोड्यूस करते हैं हम लोग 8 घंटे की 3 शिफ्ट करते हैं तो 8 3 जो क्या होगा हम लोग का हम लोग यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे एंड देन 365 डेज होता है 1 ईयर में. ठीक है. एंड 500 यूनिट एक घंटे में प्रोड्यूस होता है तो वी विल जस्ट मल्टीप्लाइड एंड विल फाइंड इट लाइक 45.8 लाख यूनिट. ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ द प्रैक्टिकल कैपेसिटी. अब प्रैक्टिकल कैपेसिटी वॉज था कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से हम लोग जितनी भी छुट्टियाँ एंड अदर इंटरनल कॉजेज की वजह से जो भी कैपेसिटी लॉस है उसको डिडक्ट करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर दिस इज़ वॉट द सिनेरियो राइट. प्रैक्टिकल कैपेसिटी में लाइक 365 डेज होते हैं. ठीक है. यहाँ पर बोला है कि संडेज पढ़ते हैं 52 तो यहाँ से 52 को डिडक्ट करेंगे 52 संडेज. फिर बोला अदर हॉलीडेज 13 दिन पड़ते हैं 13 दिन अदर हॉलीडेज को डिडक्ट कर देंगे. फिर जो मेरे एक्चुअल डेज बच जाएंगे एक साल में कितने दिन काम होते हैं. फिर यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मल आइडल कैपेसिटी फॉर द बैच चेंज मतलब एक बैच से दूसरे बैच जाने में कुछ एक घंटे का टाइम मिलता है जिसमें लोग फ्रेशन अप अपना लंच लेते हैं अपना पर्सनल नीड्स को नीड्स वर्कआउट करते हैं. सो दैट इज़ 1 आवर इज टू बी टेकन. तो 8 घंटे में से 1 आवर चला गया एंड फिर 3 शिफ्ट होती है तो 3 शिफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 500 यूनिट प्रोड्यूस होते तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी फाउंड इट लाइक 31.5 लाख यूनिट्स. अब आई एम गोइंग टू द नॉर्मल कैपेसिटी. नॉर्मल कैपेसिटी मैंने बोला था एवरेज होती है तो एवरेज जो एवरेज मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो एवरेज आता है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस यहाँ पे देख लो प्रोडक्टिव प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द सेल्स एक्सपेक्टेंसी इन पास्ट 5 ईयर्स दिया हुआ है 30.1 था 26.9 था 29.7 24.4 30.2 लाख था. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नॉर्मली क्या है दिख रहा है 30.1, 29.7, 30 ये मतलब आसपास दिख रहे हैं. 26 तो बहुत ज़्यादा कम हो गया एंड 24 तो और ज़्यादा कम हो गया तो मतलब 3 दिख रहे हैं मेरे को आसपास के. तो विल टेक ओनली 30.1, 29.7 एंड 30.2 एंड विल फाइंड आउट द एवरेज. वी जस्ट एडेड दीज 3 एंड देन डिवाइडेड इट बाय 3 एंड वी फाउंड इट 30.0 लाख्स. ओके. सो नाउ गोइंग टू द एक्चुअल कैपेसिटी. सो एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जो एक्चुअली प्रोड्यूस हो इट्स गिवन ओवर ईयर दैट एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर इज 30.1 लाख. ओके. एंड देन वी आर गोइंग टू द आइडियल कैपेसिटी. तो मैंने आइडियल कैपेसिटी बताया था इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस दी
actual capacitor. Installed was 45.8 and ideal installed was 45.8, and then our actual was 30.1. So we found it 15.7 lakh unit is our ideal capacity. So ideal capacity kaise found kiya hum logo ne? 15.7 divided by 45.8 multiplied by 100, and then we found it like 31.3%. ठीक है, एंड देन अबनॉर्मल आइडियल कैपेसिटी. अबनॉर्मल आइडियल कैपेसिटी मैंने बताया था कि इट लाइक 31.5. सो 31.5 इज आवर प्रैक्टिकल कैपेसिटी. इट वॉज प्रैक्टिकल कैपेसिटी. ठीक है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी से डिडक्ट क्या करेंगे हम लोग, हायर लेंगे, हायर ऑफ नॉर्मल एंड नॉर्मल और एक्चुअल. ठीक है, तो वही यहाँ पे भी हुआ है. प्रैक्टिकल वॉज 31.5 एंड आपका नॉर्मल कैपेसिटी आपकी थी, इट वॉज वेयर इज इट, ओके यस, नॉर्मल कैपेसिटी आपकी थी 30, एक्चुअल वॉज 30.1 एंड नॉर्मल एवरेज जो हम लोग फाइंड किया था 30.0 था, तो दैट्स वाई वी फाउंड इट लाइक 30.1 लेंगे, हायर वॉज 30.1, देन वी डिडक्टेड इट एंड देन वी फाउंड 1.4 लाख यूनिट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल, एंड लेट्स हैव अ बेटर लुक ऑफ दिस एग्जाम्पल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट एग्जैक्टली इट्स इज इट. सो this will help you to understand further doubts, clarify your further doubts, and thank you for watching this video, and please if you like the video give a thumbs up and please subscribe too.